नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास अगर यूज्ड फोन है उसको आप अगर बेचना चाहते हो कोई नया मोबाइल लेने के लिए तो बेस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगा। पूरे इंडिया में एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बेस्ट वैल्यू मिल जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को आप देखते रहिए, मैं एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस वेबसाइट का यूज करना है और कहाँ से और कैसे कितनी प्राइस आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। एंड कभी भी आपके आसपास कहां पे भी बेचने से पहले एटलीस्ट उस वेबसाइट में आप उसका प्राइस पता कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक प्राइस रह जाएगा कि हाँ मेरे मोबाइल का इतना वैल्यू है। अगर आपको आसपास कहां पे अच्छा वैल्यू मिलता है तो वहीं पे बेचिए, नहीं तो अगर आपको उस वेबसाइट में अच्छा वैल्यू मिलता है तो वेबसाइट में बेचिए। और वेबसाइट बहुत ट्रस्टवर्थी है, बहुत लोग भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको टाइप करना पड़ेगा cashify.in www.cashify.in। जैसे ही आप टाइप करोगे ये वेबसाइट दिख जाएगा। यहाँ पे ये लोगो आप देख लीजिए, इस कलर का लोगो है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया गया है कि आपको पुराना कौन सा क्या बेचना है। जैसे मोबाइल फोन बेच सकते हैं, लैपटॉप बेच सकते हैं, टैबलेट, टीवी एंड iMac और गेमिंग कंसोल भी आप बेच सकते हैं। चलिए दोस्तों हम मोबाइल से अभी शुरू करते हैं। जैसे ही आप मोबाइल पे क्लिक करोगे ये आपको ये मोबाइल के ऑप्शंस आपको दिखा देगा। जितने भी मोबाइल्स हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हो आपकी कौन सी मोबाइल है और जिसको आप सेल करके नए मोबाइल लेना चाहते हैं। और ये कैशिफाई दोस्तों इंडिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं सबसे बेस्ट प्राइस अभी फिलहाल प्रोवाइड करता है। सपोज करो दोस्तों आपके पास Xiaomi का मोबाइल है, MI का और MI का Redmi सीरीज आपके पास है। Redmi सीरीज में ये आपको बता देगा जितने भी ऑप्शंस है वो आपको बता देगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी अभी लॉन्च हुआ था Redmi का 4A, Redmi Note 4GB, Redmi Note 3GB। अगर दोस्तों आपके पास सपोज करो Xiaomi Redmi Note 4 3GB 32GB मेमोरी वाला है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये कुछ फर्दर क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे डज द मोबाइल स्विच ऑन, क्या आपका मोबाइल स्विच ऑन हो रहा है। अगर है तो आप यस लिखे, तो ऑब्वियसली हर कोई मोबाइल को अच्छी तरह से रखता है तो आप फिलहाल यस लिख दीजिए। यस लिखने के बाद ये कुछ और फीचर्स पूछते हैं, जैसे आपका ग्लास ब्रोकन है क्या, फ्रंट कैमरा चल रहा है कि नहीं। तो ये सारा का सारा जो भी सही सही आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए, अगर स्पीकर वर्किंग है या नहीं, बैटरी फॉल्ट है कि नहीं, सारा का सारा। सपोज कीजिए आपका कोई भी सारे फीचर्स सही चल रहे हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपके पास इनमें से क्या क्या चीज़ है और नहीं है। अगर आपके पास चार्जर है तो टिक कर दीजिए, बॉक्स है तो टिक कर दीजिए, वैलिड बिल है तो टिक कर दीजिए। जैसे ही आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रहे होंगे यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन आता रहेगा और ये अपने आप आपकी लोकेशन सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों कि आप मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो या पीसी से कर रहे हो। ये देखिए मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ इसलिए ये चंडीगढ़ का लोकेशन पिक कर लिया। फिर आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा अगर आपके पास बिल है तो आपके मोबाइल को कितना टाइम का हो गया है, आपके मोबाइल का एज क्या है, मोबाइल एज ये पूछ रहा है। तो 3 मंथ है, 6 मंथ है, 6 to 11 मंथ है और अबव 11 मंथ हो गया है। तो सर दोस्तों अभी अभी Redmi 4 लॉन्च हुआ था तो 3 से 6 मंथ आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा इज योर मोबाइल अंडर वारंटी। ऑब्वियसली दोस्तों हर नए मोबाइल के 6 महीने वैल्यू होता है, 1 साल का वारंटी होता है तो 6 महीने आपने क्लिक किया था। उसके बाद ये फाइनल में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ओवरऑल कंडीशन आपका कैसा है, अगर फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, बिलो एवरेज, तो यहाँ पे बिलो एवरेज कैसे है ये दिखा देगा आपको। एवरेज में कैसा है वो भी आपको दिखा देगा, गुड कंडीशन कैसा है वो भी आपको ये लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, और फ्लॉलेस है, फ्लॉलेस मतलब बेस्ट कंडीशन में है, आप फ्लॉलेस में क्लिक कर दीजिए। देन देखिए दोस्तों ये आपको आ गया योर डिवाइस प्राइस। तो नॉर्मली दोस्तों वो मोबाइल 9000 का है, अगर आप 6 महीने यूज करने के बावजूद भी आपको अगर 6500 रुपये मिल रहा है तो ये बेस्ट प्राइस है, बहुत ही अच्छा प्राइस है। आप यहाँ पे पिन कोड टाइप कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ये आपको बताएगा कि कूपन रेफरल कुछ है नहीं है। फिर सेल नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सेल नाउ पे क्लिक करेंगे ये मोबाइल नंबर आपका पूछेगा, आप मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद एक वेरीफाई कॉन्टैक्ट नंबर जैसे ही करेंगे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करते रहिए। तो ये जो सारा मैंने आपको बताया कि अगर कोई नया मोबाइल लेना चाहते हैं और पुराने मोबाइल को बेचना चाहते हैं
आप ट्राई करिए आसपास की मोबाइल कहीं पे भी आपके आसपास कहीं पे मिलता है और उन वो जो भी प्राइस आपको बता रहे हैं उससे पहले आप यहाँ पे caseify.in पे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना था, ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके आसपास जितने भी यार दोस्त और फ्रेंड सर्कल है सबको पता चले कि टेक्निकली वो भी साउंड हो। और ये बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता रहूंगा आपको पहले अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपने वीडियो तो देख लिया बट ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना उसको दबाना भूल गए आप। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और ये जो ग्रे कलर का बेल आइकन देख रहे हो ना उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता रहूंगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। टाटा बाय बाय, सी यू, सायनारा।